साथियों नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ किसी शेयर में आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग और एफआईज की होल्डिंग का कैसे पता कर सकते हैं। मैं अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट मेरी वेबसाइट पर प्रकाशित करता हूँ तो उसमें आपको उस कंपनी में म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग है, एफआईज की कितनी होल्डिंग है, इसके बारे में एक लिंक देता हूँ। तो मेरे कुछ फॉलोअर्स ने ये जानना चाहा था कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको ये बताया जा सके कि आप खुद यदि किसी भी कंपनी की म्यूचुअल फंड होल्डिंग या एफआई होल्डिंग का पता करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए हम बीएससी इंडिया की वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पर इस साइड पे आप जिस भी कंपनी का एफआई होल्डिंग और म्यूचुअल फंड होल्डिंग सर्च करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए चेन्नई पेट्रोलियम की आपको सर्च करनी है तो उसके नाम के कुछ अक्षर टाइप करेंगे तो यहाँ नीचे ड्रैग डाउन मेनू में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आ गया है। इस पर क्लिक करने पर ये चेन्नई पेट्रोलियम का पेज ओपन हो गया है। इसमें नीचे हमें यहाँ जाना है SHP शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न के नीचे जो मोर लिखा हुआ है MORE मोर पे क्लिक कीजिए। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है। यहाँ पर जून 2017 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का पेज ओपन हो गया। इस पेज में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर स्टेटमेंट शोविंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर। इस पे आप पब्लिक शेयर होल्डर पे जब क्लिक करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग और एफआई होल्डिंग आती है। देखिए इसमें आप म्यूचुअल फंड बिरला सनलाइफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये म्यूचुअल फंड है। इसने इस चेन्नई पेट्रोलियम के 38,18,828 शेयर होल्ड कर रखे हैं। इसी प्रकार LIC ऑफ इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड म्यूचुअल फंड भी इसको होल्ड करता है। फॉरिजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 138 फॉरिजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसको होल्ड करते हैं। इस प्रकार आप किसी भी कंपनी की FI होल्डिंग और DI होल्डिंग का पता लगा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य कीजिए और अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछिए। हालांकि मेरे पास प्रतिदिन बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से ईमेल आते हैं, मेरे ब्लॉग्स पे भी बहुत से कमेंट आते हैं तो मैं अपने कार्य में अत्यधिक बिजी होने की वजह से सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता। फिर भी मैं भरसक कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जब भी मुझे समय मिले मैं रिप्लाई दे सकूँ। नमस्कार।